आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मशाल जुलूस निकालकर संविधान व लोकतंत्र बचाओ पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मशाल जुलूस चौमहला कस्बे के आइस फैक्ट्री मैदान से शुरू हुआ, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए सगस महाराज स्थान के ईयर पर समाप्त हुआ। मशाल रैली में राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने सहित नोटबंदी, GST, CBI, ED के गलत इस्तेमाल व महंगाई के मुद्दों को लेकर जताया आक्रोश कर मोदी सरकार के विरोध में की गई नारेबाजी व मोदी सरकार पर संविधान को कुचलने का लगाया आरोप। इस दौरान बड़े संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन की रिपोर्ट। आज इस देश में जिस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी इस देश के अंदर चल रही है, उसके खिलाफ हमने आज मशाल जुलूस निकाला है। और इस देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता असंवैधानिक तरीके से खत्म की गई, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और उसी के लिए हम लोगों ने आज मशाल जुलूस निकाला है। और हमारे देश के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए अगर हमें खून भी बहाना पड़ेगा तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश में डर, हिंसा का माहौल इस सरकार ने तैयार किया है। हाल ही में हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह की घटना हुई, एक बहुत पुराने मामले में, जिसमें कि फरियादी ने उस केस में राजीनामा लिख के दे रखा था, एक पुराने मामले में उनको सुनियोजित तरीके से फंसाकर न्यायपालिका को कब्जे में लेकर जिस तरह से राहुल जी के खिलाफ दमन कार्रवाई करी, हम उसकी सभी कांग्रेस जन कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता खत्म करना मतलब इस देश में संविधान और प्रजातंत्र को खत्म करना। हम मांग करते हैं कि राष्ट्रपति जी से कि जिस तरह से ये सरकारें तानाशाही कर रही है इस देश के अंदर, कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे।